किस तरीके की लापरवाही, उसको लेकर बारीकी से अपने नजर बनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ उन तमाम घायलों से मुलाकात करने के लिए इस वक्त पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए, प्रधानमंत्री राहत कोष की तरफ से भी इस बात का ऐलान किया गया। दरअसल पीएम ने साफ तौर पर कहा कि जितने भी घायल हैं उन सभी को मदद दी जाएगी और ये बात जो है साफ तौर पर क्लियर कर दी गई थी केंद्र सरकार की तरफ से। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जिस वक्त पहुंचे थे, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए सीधे तौर पर कहा कि किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, घायल जो है उन्हें अस्पताल में जो है इलाज लगातार मुहैया कराया जा रहा है। और दिल्ली से भी साफ तौर पर निर्देश थे, केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कह दिया था कि घायलों को जो है उचित इलाज मुहैया कराया जाएगा और इसी को लेकर पीएम की तरफ से मीटिंग की गई, जिसके बाद प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए का ऐलान किया गया। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि देखिए देश के प्रधानमंत्री जब एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर अब ये जांच के आदेश दे दिए गए कि आखिर ये घटना जो है आखिर क्यों हुई, क्या कोई मानवीय भूल की वजह से ये घटना हुई है या फिर वजह क्या है, लेकिन पूरी तरह से जांच के आदेश दे दिए गए। साफ तौर पर कहा गया कि हर एक एंगल से जांच की जाएगी, लेकिन जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर वजह क्या कुछ है। लेकिन उससे पहले की तस्वीरें देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री जो है एक घटना स्थल पर पहुंचते हैं, वहां पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लोगों से बात करते हैं, उनकी हौसला अफजाही करते हैं, साथ ही वो फोन पर लगातार बातचीत करते हुए नजर आते हैं। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि देखिए किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरती जाएगी, रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर लिया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती जो है वो ये है कि जो बोगिया है, क्योंकि अंदर से लोगों को निकाल लिया गया है, साथ ही 261 लोगों की मौत हुई है, आंकड़ा 1000 के पार पहुंच चुका है घायलों का। लेकिन अब चुनौती यह है कि अब इन बोगियों को जो है हटाया जाए, और जो रेलवे ट्रैक पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है अब उसे एक बार फिर से बनाने का काम शुरू किया जाएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये रेलवे ट्रैक है। आपने देखा 3 रेलवे ट्रैक जो है वो साथ साथ है, अब ऐसे में कई रेलगाड़ियां जो है इसी ट्रैक से चलती है। जब ये हादसा हुआ उसके बाद 40 से ज्यादा रेल जो है उन्हें पूरी तरीके से डाइवर्ट किया गया, और इसीलिए अब सबसे बड़ी चुनौती ये कि अब इस रेलवे ट्रैक को मरम्मत जो है जल्द से जल्द किया जाए और एक बार फिर से इस रूट पर ट्रेन जो है वो सुचारू रूप से चल सके। बिल्कुल, कोशिश यही है कि एक बार फिर से जो रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है उसे नई तेजी देते हुए नजर आए तमाम अधिकारी, और जो मलबा वहां पर बिखरा हुआ है उसे जल्द से जल्द हटाया गया ताकि रूट को एक बार फिर से सुचारू रूप से चलाया जा सके। लेकिन इसके साथ ही तमाम तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालासोर पहुंचकर मौके का जायजा लेते हुए नजर आए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों से भी बातचीत की, पीएम मोदी के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। इसके साथ ही पीएम मोदी हादसे पर लगातार नजर बनाए हुए है। कल शाम 7 बजे जैसे ही इस हादसे की तस्वीरें निकलकर सामने आई, तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के मुख्यमंत्री से बातचीत की, तमाम अधिकारियों से संपर्क में पीएमओ रहा, और इसके साथ ही आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस घटनास्थल पर पहुंचे, तमाम चीजों को देखा, जाना, परखा और यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि ऐसे हादसे आने वाले भविष्य में ना हो। इसी के साथ ये 3 तस्वीरें जरा आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त उसी अस्पताल में मौजूद है जहां पर इस वक्त सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोगों का इलाज इस वक्त चल रहा है। हालांकि अलग अलग राज्यों की सरकारों ने मदद का आश्वासन जरूर दिया है, कई टीमें दूसरे राज्यों से जरूर पहुंची है, लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचकर उन तमाम अधिकारियों की हौसला अफजाई के साथ साथ उन जख्मी लोगों से भी मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं जो कि इस हादसे का शिकार हुए हैं, और इसी के साथ उस घटनास्थल पर भी पहुंचे जहां पर ये 3 ट्रेनें आपस में टकराती हुई नजर आई। और देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे लेकिन उससे पहले उन्होंने दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक जो है की थी, और पीएम मोदी ने मौके से ही स्वास्थ्य मंत्री और कैबिनेट सचिव से फोन पर बातचीत की, जिसकी देखिए एक तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पीएम मोदी फोन पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही पीएम मोदी ने फोन पर कहा कि घायलों के परिवारों तक हर संभव मदद पहुंचाई जाए। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले बालासोर पीएम मोदी जब पहुंचे तो उन्होंने फोन पर बातचीत कर इस बात के लिए आश्वासन दिया है कि घायलों तक हर मदद पहुंचाई जाए। और देखिए आप पुराने अगर तस्वीरें भी उठाकर देखेंगे तो चाहे चक्रवात तूफान की बात की जाए, जब बंगाल में आया था उस वक्त भी जो है पीएम मोदी ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। केदारनाथ की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, लेकिन अब आप समझिए बालासोर पहुंचकर पीएम मोदी ने मौके का जायजा लिया, पीएम मोदी ने अधिकारियों से फोन पर बातचीत की। सबसे पहले पीएम मोदी के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और धर्मेंद्र प्रधान जो है वो वहां पर मौजूद रहे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हादसे पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी ने मौके से ही स्वास्थ्य मंत्री और कैबिनेट सचिव से फोन पर बातचीत की और कहा कि घायलों के परिवारों तक हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी, और इसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं एक्सक्लूसिव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनकी मौजूदगी इस वक्त बालासोर में है तमाम चीजों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारियों से खुद उन्होंने बातचीत की है, हर एक जानकारी
उनसे ली है। इसके साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उनके साथ मौजूद थे, हालांकि वो पहले भी इस घटनास्थल पर पहुंचे थे। धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी भी सुबह से ही नजर आ रही थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे तो उनके साथ एक बार फिर से वो तस्वीरें नजर आई। हादसे पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर बनाए हुए हैं, साथ ही स्वास्थ्य मंत्री और कैबिनेट सचिव से उन्होंने फोन पर बातचीत की है और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि जल्द से जल्द उन घायलों तक मदद पहुंचाई जाए और जो पूरा का पूरा रूट इस वक्त बाधित है उसे एक बार फिर से सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी कदम आगे बढ़ाए जाए उसमें पूरी तरीके से जल्द पहुंचाई जाए। और देखिए दूसरी तस्वीर पर आप नजर डालेंगे तो देखिए यकीन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये वो घटनास्थल है जहां पर ये घटना हुई। वहां पर देश के प्रधानमंत्री जो है वो जनता के बीच में पहुंचे और साथ ही पहली तस्वीर पर आप नजर डालेंगे जहां पर घायलों से मुलाकात करने के लिए देश के प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हैं। इस खबर की गंभीरता, इस घटना की गंभीरता को इसी बात से समझा जा सकता है कि कल जब 6:50 पर यह घटना हुई उसके बाद लगातार दिल्ली में बैठकों का दौर जारी था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पल पल की अपडेट ले रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमाम उन अध्यक्षों को जो अध्यक्ष उनकी तरफ से कहा गया कि बीजेपी के सभी कार्यों, बीजेपी के जितने कार्यक्रम हैं उन सभी को रद्द किया जाएगा और तुरंत उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, एनडीआरएफ के डीजी मौजूद थे और उसके बाद पीएम मोदी वहां से रवाना हुए। दिल्ली से रवाना होने के बाद भुवनेश्वर पहुंचे और भुवनेश्वर से सीधा बालासोर। और देखिए 4 कैमरों के जरिए आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। एक एक तस्वीर पर आप नजर डालेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर गंभीरता साफ तौर पर नजर आ रही है और वो इस बात को बताती हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस घटना को लेकर कितने गंभीर है। साथ ही फोन पर बातचीत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तीसरे कैमरे से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, दरअसल पीएम मोदी स्वास्थ्य मंत्री और कैबिनेट सचिव से फोन पर बातचीत कर रहे थे इस दौरान और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि घायलों के परिवारों तक हर संभव मदद पहुंचाई जाए क्योंकि घायलों का आंकड़ा 1000 के पार पहुंच चुका है। बिल्कुल 261 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है, हालांकि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा हो सकता है कि ये मौत का आंकड़ा बढ़ जाए, लेकिन अभी फिलहाल औपचारिक तौर पर आधिकारिक तौर पर 261 लोगों की जान इस विभत्स हादसे में जा चुकी है। 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं जिनसे मुलाकात करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अस्पताल में मौजूद है। इससे पहले उनकी मौजूदगी जिनके जरिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनिश्चित करने की कोशिश की कि देखिए इस दुख की घड़ी में सरकार उनके साथ पूरी तरीके से खड़ी है और इसके साथ ही उन तमाम घायल लोगों से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अस्पताल में मौजूद है। वो तस्वीरें भी अब कुछ ही देर में आने लगेगी, लेकिन उससे पहले जो मौका वारदात पे जब वो पहुंचे उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे ये भयानक हादसा हुआ। 3 ट्रेन जानकारी मिल रही है कि शुरुआती तौर पर ट्रेन डिरेल हुई पटरी से और इसी वजह से यह हादसा हुआ। उस ट्रेन के कई डिब्बे जो है दूसरे पटरी पर जाके गिरे और एक मालगाड़ी जो कि आउटर लेन पर पहले से ही मौजूद थे उस पे जाके वो डिब्बे जो है टकराते हुए नजर आए और सामने से तीसरी गाड़ी जो आ रही थी रेलगाड़ी वो इन दोनों से टकराती है और एक के ऊपर एक कई डिब्बे ऊपर नीचे होते हुए नजर आते हैं जिसमें कई लोगों की जान मौके पर ही चली गई। हालांकि कोशिश स्थानीय लोगों की तरफ से तुरंत की गई कि जितने भी लोग उस डिब्बे के अंदर या उस हादसे के बीच में मौजूद है उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए और इसी वजह से जो कई लोगों की जान जो है जल्द से जल्द बचाई जा सके, क्योंकि जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने तत्परता दिखाई दी और उसके बाद फिर रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की गई। एनडीआरएफ की कई टीमें मौके पर मौजूद है। इस वक्त केंद्र सरकार की तरफ से लगातार मदद पहुंचाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अपडेट के साथ साथ उन तमाम लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं जो कि इस हादसे का शिकार हुए हैं। सोर में हुए ट्रेन हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सैकड़ों परिवारों ने अपनों को खोया है। 1000 के करीब यात्री घायल हुए हैं। बिहार से लेकर चेन्नई तक चीत्कार मचा हुआ है। बालासोर में हादसे के बाद घायलों को रेस्क्यू करने के बाद एक ट्रेन हावड़ा पहुंची, जहां न्यूज 18 ने उन रेल यात्रियों से हादसे के बारे में जानने की कोशिश की। इतना जोर से आया कि बाद में सब कूद के भागने लगा, मैं भी भाग गया। खिड़की में बहुत जोर से आवाज हुआ कि जैसे लोहे से कुछ टकराया,
या कुछ हुआ और ट्रेन एकदम पूरा ऐसे डोलने लग गया। फिर उठे तो मतलब बहुत हड़बड़ मच गई, एक ही बार में सब जन उठ गए, बाहर देखने लगे तो कोई बोलते कि आग लग गई या कुछ हो गया। फिर बाहर में देखते कि ऐसे एक्सीडेंट कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर बाद में पता चला थोड़ी देर बाद में कि मतलब एक्सीडेंट हो गया। घटना के बल क्या होता है, जो पास से ही जा रहा था वो सामने मालगाड़ी थी उसको ट्रैक डीरेल होके पीछे लग गया। हावड़ा पहुंचा ये घायल रेल यात्री कोरोमंडल एक्सप्रेस के S1 कोच में सफर कर रहा था, तभी बालासोर में हादसा हो गया और S1 कोच पूरी तरह से पलट गया। S1 में रहे जी, पूरा पूरा उल्टा हो गया, पूरा इससे पलटी हो गया। कुछ गाड़ी पलटी किया अचानक, जैसे अचानक बचने कोई उम्मीद ही नहीं है, जैसे अचानक कोई बचेगा नहीं, भगवान से शुक्र है सब बच गया, पूरा पलटी हो गया। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल में उन घायलों से मुलाकात करते हुए जो इस रेल हादसे में जख्मी हुए हैं। देखिए एक एक शख्स से वहां पर मुलाकात करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और साथ ही उन्हें सांत्वना इस बात के लिए देते हुए कि देखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको तस्वीरों में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान जो सुबह से वहां पर मौजूद है, अब फिलहाल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें बालासोर से जहां पर अस्पताल में पीएम मोदी पहुंचे हैं। बिल्कुल ढांढस बंधाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नजर आ रहे हैं। 1000 से ज्यादा लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं, जख्मी हुए हैं और इस वक्त आप देखिए अस्पताल के अंदर की तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक घायलों से मुलाकात करते हुए और उन्हें आश्वस्त करते हुए कि देखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, सरकार पूरी तरीके से मदद करती रहेगी और आपको पूरी तरीके से सुरक्षित आप तक घर पहुंचाया जाएगा, ये आश्वासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए धर्मेंद्र प्रधान जो कि इससे पहले भी इसी अस्पताल में मौजूद रहे थे, उन्होंने भी मुलाकात की थी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उनकी मौजूदगी इस वक्त नजर आ रही है। ये देखिए तमाम लोग जो कि अपनी मंजिल की तरफ पहुंचने के लिए इस ट्रेन के जरिए सफर कर रहे थे लेकिन अचानक ये हादसे का शिकार होते हैं और उसके बाद इस तरीके की चीजें सामने आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे हैं तो पूरी तरीके से उम्मीद उन लोगों को देते हुए नजर आ रहे हैं, आश्वस्त करते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए इस दुख की घड़ी में सरकार और मैं पूरी तरीके से आपके साथ खड़े हैं और पूरी मदद आप तक पहुंचाई जाएगी सरकार की तरफ से। और इसके साथ ही ये तस्वीरें आप देखते चलिएगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल पहुंचे तो किस तरीके से लोगों का जमावड़ा भी वहां पर नजर आया और हालचाल इस वक्त पीएम मोदी अस्पताल के भीतर जानते हुए नजर आ रहे हैं उन तमाम लोगों का जो कि इस हादसे का शिकार हुए हैं। तो देखिए कई ऐसे घायल हैं जिनकी हालत काफी गंभीर भी बताई जा रही है और इसीलिए केंद्र सरकार की तरफ से खुद पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बात के आदेश दिए गए हैं कि घायलों को उचित इलाज मुहैया कराई जाए और साथ ही किस तरीके का इलाज घायलों को मिल रहा है उसको देखने के लिए खुद पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो अस्पताल पहुंचे हैं, घायलों से मुलाकात उन्होंने की। वो तस्वीरें सबसे पहले हमने आपको न्यूज 18 इंडिया पर दिखाई कि आखिर अब देखिए यहां से जो है पीएम नरेंद्र मोदी शायद रवाना होते हुए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आप समझिए कि 2 से 3 घंटे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहां पर पहुंचे जहां पर सबसे पहले उन्होंने घटना स्थल पर वो पहुंचे, नक्शे के जरिए उन्होंने समझा कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ था, नक्शे के जरिए उन्होंने ये भी समझा कि देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन तो खत्म हो गया लेकिन अब आगे क्या, क्योंकि आगे सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उस रेलवे ट्रैक को ठीक किया जा सके क्योंकि ये बड़ा रेलवे ट्रैक है जो कई शहरों को आपस में कनेक्ट करता है, कई रेलगाड़ियां जो है इसमें दौड़ती हैं और इसी वजह से आज 45 रेल जो है जिन्हें डाइवर्ट किया गया था इस हादसे की वजह से। अब सबसे बड़ी चुनौती ये कि इस रेलवे ट्रैक की मरम्मत की जाए और उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं उस अस्पताल में जो हम पहली तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं। देखिए घायलों से बात भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनसे ये पूछा जा रहा है कि किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं, केंद्र सरकार आपके साथ पूरी तरीके से खड़ी हुई है और लगातार अधिकारियों को इस बात के दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी घायल हैं और उनके परिवार वाले उन्हें तमाम जो भी उचित इलाज है वो मुहैया कराई जाए। साथ ही प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए का जो है वो ऐलान किया गया है। बिल्कुल मुआवजे का ऐलान किया गया है और इसके साथ ही कई सरकारों की तरफ से उन तमाम लोगों तक मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई है लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि इस वक्त अस्पताल के भीतर मौजूद है घायलों से उनका हालचाल जानते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए,
उड़ीसा के बालासोर में ये बड़ा हादसा होता है कल शाम 7 बजे के आसपास, और उसके बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस पर पूरी नजर बनाए हुए थे। कई बार पीएमओ की तरफ से सीधे तौर पर कॉल किया गया, और इसके साथ ही इससे पहले ट्विटर पर आपने देखा कि कैसे अपनी संवेदना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से व्यक्त की गई। और जैसे ही मौत का आंकड़ा जो है बढ़ता हुआ नजर आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तमाम कार्यक्रमों को कैंसिल करते हुए सीधे यहां के लिए रवाना हुए और सीधे उसी घटनास्थल पर पहुंचे जहां पर ये 3 ट्रेनें, सबसे बड़ा हादसा होता है, 261 लोगों की जान चली जाती है, और करीब 1 से 1.5 घंटे का वक्त उन्होंने वहां पर बिताया। हर एक चीज का जायजा लेते हुए नजर आए, तमाम अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की, और वहां से सीधा वो रवाना हुए उसी अस्पताल के लिए जहां पर इस वक्त उन तमाम घायल लोगों का इलाज चल रहा है। उनसे सीधे वार्तालाप करते हुए नजर आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आश्वासन उन्हें दिया जा रहा है कि देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, इस दुख की घड़ी में, इस बुरे वक्त में सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। ये और सभी दिवंगत आत्माओं के साथ हमारी प्रार्थना है। कल रात से कंटिन्यूअसली रेलवे, एनडीआरएफ